आजकल ऑनलाइन साइबर क्राइम एक्सपर्ट अलग अलग तरीके के इस्तेमाल करके ठगी कर रहे हैं। बिना कुछ डिटेल मांगे बैंक से पैसा निकाल लेते हैं ऑनलाइन ठग। विंध्य क्षेत्र के या पहल बघेली न्यूज चैनल वहां ममिषा चौहान अपना पंचन का सर्वजनिक का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी आज की यह खास खबर के कि अब ऑनलाइन ठग बिना कुछ बैंक डिटेल मांगे अपना के अकाउंट से पैसा निकाल लेता। ऐसे ने कुछ खबर आई है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का उनकी बेटी के ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो गए हैं। दरअसल सीएम केजरीवाल के बेटी वेबसाइट पर सेकेंड हैंड सोफा बेचने की कोशिश करते रही, लेकिन जालसाज उनके बैंक अकाउंट से 34,000 रुपए की ठगी करने लगे और पुलिस एक शिकायत दर्ज कर ली थी और बतावा जा रहा है कि QR कोड के जरिए यह ठगी की गई। बता दें कि यदि ना ऑनलाइन साइबर क्राइम एक्सपर्ट अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके और ठगी कर रहे हैं। ये तरीकन में आजकल QR कोड सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाला। ऐसे में जानकारी दे दी कि आखिर जालसाज कौन कौन तरीका के इस्तेमाल करके अपना का पंचन का भविष्य में ठगी कर सका था। भविष्य में ऐसा घटना से बचे खातिर ऑनलाइन फ्रॉड के तरीकन का जाने बहुत जरूरी है। ऐसे ये सभी तरीकन का जान लही और ऐसी घटना से सावधान रही। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड करे वाले क्राइम एक्सपर्ट लोगन का पहले अपने जाल में फंसावत है। ओका खातिर पहले अपना के खाता में पैसा भेज दही, ओके बाद कोनो भी ऑफर ऑनलाइन खरीदी करे के कहा था और अपने जाल में फंसा ले था। ओके बाद एक QR कोड भेज के स्कैन करे खातिर कहा था। जैसे ही अपना फोन से QR कोड स्कैन करब ओके खाता से पैसा कट जाई और पैसा कटअप शुरू हो जाए। इस संदर्भ में कई बार बैंक सरकार की ओर से अलर्ट भी जारी की जाती कि अपना पंजीकृत का कोनो भी प्रकार के QR कोड का स्कैन करने की जरूरत नहीं है। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सभी ग्राहकों का बतावा गया है कि अपना का साइबर ठग बैंक अधिकारी बन के KYC वेरिफिकेशन के नाम पर लोगन का फोन कर रहे हैं और जानकारी मिलते ही खाते के पैसा निकालने लगा थे, बैंक साफ कर देते। ऐसे कॉल मैसेज से सावधान रही। SBI की कहा है कि जालसाज अपने व्यक्तिगत विवरण हासिल अपना के व्यक्तिगत विवरण हासिल करे खातिर बैंक कंपनी प्रतिनिधि हो के नाटक करे थे और एक फोन कॉल करे थे, टेक्स्ट मैसेज भेजे थे, उसके बाद अपना के बैंक खाता से पैसा निकल जाते। ऐसे में ऑनलाइन KYC करे वाले लोगों से बचे। एक के अलावा जालसाज कोनो भी लुभावना ऑफर दे के इनाम जीते के या डिस्काउंट की बात करके लिंक का क्लिक करे का कहा थे। अधिकतर लोग लिंक का क्लिक कर देते और के बाद दिक्कत की वजह बन जाते हुआ। ऐसे में किसी भी प्रकार के अनजान नंबर से आए वाले लिंक का क्लिक ना करी ऑनलाइन फ्रॉड के शिकार हो से बची। हाल ही में एक महिला Amazon से अपने बच्चा खातिर सामान ऑर्डर करे रही, लेकिन 18 जनवरी का वह एक शख्स के द्वारा फोन की जाता है कि अपना के सामान के खरीदी की जानकारी दी जाती जाए। महिला का कहा गया है कि ओमा यह कहा गया वो पुरुष के द्वारा या उस फोन कॉल के द्वारा यह बतावा गया कि अपना इनाम के खाते सेलेक्ट किए गए। उसके बाद जालसाज महिला का एक लिंक भेजी, जो लिंक का क्लिक करते ही महिला के बैंक अकाउंट से किस्तर में 49,000 रुपया गायब होगा। तो सोचे वाली बात आए कि एक क्लिक के बाद अपना के खून पसीना के कमाई एक झटका में खत्म हो जाती है अपना के अकाउंट से। एक पेट काट काट के लोग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करा था, लेकिन एक फ्रॉड एक छोटा सा क्लिक के माध्यम से अपना के कई समय से कमाई गई दौलत झटका में खत्म हो सका थी। तो आपन ध्यान रखिए, अपने परिवार की बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद, प्रणाम।